पता चली टीम आई हुई है, तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है, कलेक्टर एसपी अभी नहीं है, और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारी। सर, ये देश में जिस तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके का तस्वीर सामने आई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगातार ये बोल रहा हूँ कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्रेम और भाईचारा का संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने लगातार दिया है, उसको लेके आगे बढ़ने की है। मैं पहले ही बार बार बोला हूँ कि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, उससे भारतीय जनता पार्टी के जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है, और वही चीज़ आगे बढ़ के ये बातें आई और उसके कारण से ये उसका रिएक्शन हो रहा है। मैं नहीं समझता ये उचित है, हिंसा किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता, और इससे प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आके बात करना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है, तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़े और इस मामले में उनका बयान आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस हालात बिगड़ने देने के बजाय इसे संभालने की आवश्यकता है, और इस मामले में सभी पक्षों से मैं कहना चाहूँगा कि संयम बरते, शांति से काम करे। ये मैं सभी से, अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों से भी मैं अपील करूँगा कि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दें, खासकर जो सोशल मीडिया में जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। माहौल को ख़राब करना बहुत आसान है, माहौल को शांत बनाए रखना एक कठिन काम है, और हम सबकी जिम्मेदारी है संयम बरतें और सब लोग संयम से काम लें, और मैं समझता हूँ कि ये दौर भी निकल गया। हरियाणा पर कटाई में रोक लगा दी है, आपने कहा उसके बाद तो ये निरस्तीकरण की ओर भी मर रहे हैं। देखिए, ये आप लोग अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका है। ये पूरा कोल आवंटन है भारत सरकार करती है, और वन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। वो भारत सरकार चाहे कोयला खदान को नीलाम करे प्राइवेट प्लेयर को, चाहे वो राज्य सरकार को वो अलाटमेंट करे, ये काम उनका है। हम तो एक बीच में जो कहते हैं कि डाकिया की जो भूमिका होती है, तो उन्होंने आदेश दिया, वो हम कर रहे हैं। अब मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जिनको मांग करना है निरस्त मैं नहीं कर सकता, निरस्त भारत सरकार को करना है, राज्य सरकार इसमें नहीं कर सकता कुछ, तो इनको मांग करना चाहिए। यदि निरस्त कराना चाहिए तो भारत सरकार से मांग करें। दूसरी बात यह है कि महाराज साहब ने उस दिन कहा कि पहली गोली मैं खाऊंगा, तो गोली तो भैया जो गोली चलाने वालों खाए, महाराज साहब क्यों खाए? दूसरी बात यह है कि जनता की बात तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से पता चलेगा, आखिर जनप्रतिनिधि क्यों चुना जाता है, तो जनता की बात को रखें। तो जनता जो चाहती है, महाराज साहब का तो जनता जो चाहती है, तो आप तो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के, तो आपकी बात को मान के, तो मैंने कहा पेड़ का डंगाल भी नहीं कटेगा महाराज साहब नहीं चाहेंगे, तो वो जनप्रतिनिधि है। मेरे व्यक्तिगत संबंध है बड़े भाई की तरह, वो अलग बात है, लेकिन है तो जनप्रतिनिधि, और जनता की बात करें तो मैं उसी बात को मानूंगा। तो ये बात मांग करना है तो भारत सरकार से करे, क्योंकि वो हम पेड़ कटाई रोक दिए, इसका मतलब वो अलाटमेंट रुक गया क्या? नहीं रुका है। तो यदि करना है तो भारत सरकार के पास जाए, आंदोलन करना है तो वहाँ करे। उर्वरक में फिर से कटौती केंद्र सरकार ने कर दी है, हर साल अगर हम देते हैं तो कटौती करते जा रहे हैं, कैसे होगा? कृषि मंत्री रवि चौबे जी का कल बयान भी आया और पत्र भी लिखा भारत सरकार, यूरिया में जब जितना मई में आना चाहिए था DAP NPK जितना आना था वो नहीं पहुंचा है, लगातार उसमें कटौती की गई है। 60% यूरिया पहुंचा है तो 39% DAP है, 30% NPK है। ये जो कमी है, आखिर इसका खामियाजा तो किसान ही भुगतेगा, और भारत सरकार अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है। अब हमारे मानसून भले विलंब हुआ है, लेकिन ये किसी को महीना
ये जून का महीना कृषि का महीना है, इस महीने में सब किसान अपने कृषि औजार भी तैयार कर लेते हैं, खेत भी तैयार करता है और खाद भी इकट्ठा करके रखता है ताकि वो फिर खेत में जाने के बाद उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े, बाहर निकलना ना पड़े, क्योंकि बहुत ही वो क्रूशियल पीरियड रहता है कि वो 8-10 दिन में ही सब बुआई भी करना है, उसके बाद फिर रोपाई करना है, बावत करना है, तो उसमें लग जाता है। इसलिए ये सब मई महीने में सब वितरण करने का काम होता है, लेकिन भारत सरकार अभी तक हम लोगों को पूरा इलाज नहीं दिया। जब से हमारी सरकार खाद की कमी हो रही है और वो नेता प्रत्यक्ष जी बहुत बुद्धिमान हैं और मैं उसके बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के कारण से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खाद की कमी नहीं हुई है, वहां भी खाद की कमी है, तो क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार है? यदि पंजाब में, हरियाणा में, और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में यदि खाद की कमी है तो सीधी सीधी बात है भारत सरकार जिम्मेदार है। यदि मानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार है तो मैं उसको नमन करता हूँ। कोरोना के आंकड़े ईडी दफ्तर का कांग्रेसी खिलाफ कल बात करेंगे उसमें। कोरोना के आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोगों की मदद लेने की बात आ रही है। हाँ, मैं तभी आपको बोला ना, आपके पास आप ट्विटर देख रहे हैं तब आपको पता।